हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी सुबह के 10 बजे हैं और मैं घर पे अकेली बैठी हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं। कल से वो हमारा नया घर देखने गए हैं। हाँ, उनको आने में अभी 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो थोड़ा दूर है यहाँ से। थोड़ा नहीं, बहुत ही दूर है, पूरा अलग स्टेट है। इसलिए 3 4 दिन लग जाएंगे, तो तब तक मैं घर पे अकेली रहूँगी और बोर होती रहूँगी। आई नो दैट वेरी श्योर। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सीरियसली, आज बहुत दिन बाद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी। फीलिंग रिलैक्स्ड, बट बोर लग रहा है और मिस कर रही हूँ उनको। अभी तो शायद 6 7 घंटे हुए होंगे उनको जाने में। बट एक्चुअली मैं ना कभी मेरे हस्बैंड को छोड़ के ज़्यादा दिन रही नहीं हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मतलब आज तो मैं तो पूरा दिन सो के बिताऊंगी। मैंने ब्रेकफास्ट किया था, नाम का ब्रेकफास्ट था, ये खाया था मैंने, ये फ्राइड चिड़ा है, मतलब फ्राइड पोहा, बट इसमें बहुत सारा काली मिर्ची दिया हुआ है, बहुत तीखा है, तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाई। वाटरमेलन खा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर इस बार का वाटरमेलन ज़्यादा रेड वाला नहीं है, बट आई लव वेरी मच। मुझे घर शिफ्ट करने के टाइम पे ये वाली बुक मिली, मुझे ये चाहिए था एक्चुअल में, मैंने थी, पर ये मेरे हस्बैंड की है। मेरे हस्बैंड बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, उनके पास बहुत सारे बुक्स हैं और उनके पास बहुत नॉलेज है बुक्स के ऐसे। और मेरे पापा भी बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, उनके पास बहुत सारे बुक्स हैं। वन मिनट, अभी क्या बात कर रही थी। हाँ, मैंने अभी वाटरमेलन खाया जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अभी मैं क्या करूँ, मतलब इतना ज़्यादा बोर तो कभी भी नहीं लगा था। अभी तो आज ही फर्स्ट डे है, अभी तक 2 दिन बाकी है, मैं तो पागल हो जाऊँगी। मुझे टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा है, और वैसे भी टीवी बाहर है और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बैठ के नहीं देख पाती हूँ। अभी क्या कर सकती हूँ, पेंटिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि सब कुछ मैंने पैक कर दिया है, बस इंटरनेट ही सहारा है। या मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं या सबसे अच्छा टाइम पास होता है जो शॉपिंग साइट होता है ना, वो सब चेक करते रहो। अभी मैं कौन सा वाला देखूं, अमेज़ॉन। मैं पहले ना यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही वेबसाइट, मतलब शॉपिंग साइट है जो यहाँ पे आती है। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी ऐसा कॉम्बो वाला ख़रीदा है किसी ने? कैसा होता है, मतलब क्वालिटी कैसा होता है ये सब?
क्वालिटी कैसा होता है इतना सारा, मतलब 4579, 579 में मिल रहा है, तो क्वालिटी आई डोंट नो। हाय, गुड मॉर्निंग संडे। आज संडे है और मेरा तो कल का दिन बहुत ही बेकार गया। मतलब इतना बेकार दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। इतना बोरिंग लगा और ऊपर से मुझे रात को नींद नहीं आई। मतलब दो मैं सोई थी 12 बजे, 12:30 बजे तक रात को, और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर 2 बजे के बाद से मैं फिर से नहीं सोई। सो क्यों नहीं सोई? क्योंकि मेरे घर में एक चूहा घुसाया है, जिसको मैंने जो वो जब भी दूसरे रूम में घुस गया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो वो निकल नहीं पा रहा था। तो वो दरवाज़ा खरोच रहा था, उससे एक आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नॉक कर रहा है। तो मैं डर गई थी, फिर उठी, चारों तरफ देखा क्या हुआ, कि कहाँ पे ये आवाज़ हो रही है। फिर मैंने डिस्कवर किया कि हाँ, वो चूहे की आवाज़ है जो दरवाज़ा खरोच रहा है। फिर जाके मैंने चेयर ली, चेयर के ऊपर उठी और फिर जाके दरवाज़ा खोला। क्योंकि अगर दरवाज़ा खोलते हुए निकल आया मेरे ऊपर, मतलब मुझे बहुत डर नहीं, डिस्गस्टिंग लगता है। सो वही, इसी चक वो घर देखने जाने जा रहे हैं और मुझे वीडियो कॉलिंग पे ला रहे हैं कि देख रही हूँ मैं कैसा किया है। और मुझे बहुत नींद आ रही, मतलब मेरी आँखें ना जल रही है, पता नहीं। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पूरी बाल भीगे हैं, आज वॉश किया है, सिंदूर लगा लेती हूँ। मैं लिक्विड सिंदूर ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस सामने में लगाती हूँ, और बाकी पाउडर वाला सिंदूर है वही लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, और मैंने कपड़े वॉश करने के लिए डाल दी है। और मेरा ब्लॉग आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग जा रहा है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं। या मैं अभी मेरे हस्बैंड को दोबारा से फ़ोन करूँगी कि वो दूसरे एक घर को देख के आ गए हैं, और दो तीन देख लग गया मेरा, और दो तीन घर है जहाँ पे वो देखने जाएंगे। और मुझे किसी ने ना व्हाट्सएप पे बहुत ही गंदा, बाहियात क्या बताऊँ, डरावना एक वीडियो क्लिपिंग्स भेजा था। वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही है, और उसके ऊपर उसने इतना डरावना सा एक वीडियो क्लिप भेजा। मतलब वीडियो क्लिप जब मैंने स्टार्ट किया ना, तब कुछ नहीं था, नेचुरल कुछ दिखा रहा था, पेड़ वगैरह है। फिर अचानक से वो डरावना चीज़, मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना, क्या बताऊँ। वो जानता है कि मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे ये सब चीज़ों से डर लगता है। और वैसे अकेले रहने में ना थोड़ी सी आवाज़ होती है ना, तो लगता है पता नहीं क्या है, फिर नींद तो गई। उसके ऊपर सुबह सुबह ये देख लो, मतलब क्या बताऊँ। उसके साथ जब होगा ना, तब पता चलेगा। वो मेरा वीडियो देखता है, पता चलेगा तुमको। मैं भी भेजूंगी, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना, तुमको कुछ और भेजूंगी, सोचा है मैंने। मैं एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ। बहुत कुछ हो गया है नेगेटिव चीज़ें, तो मैं
उसके ऊपर अगर सोचने लगूंगी ना तो लाइफ नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए मतलब लाइफ में अच्छा खराब सब कुछ फेज आता ही है। खराब नहीं आएगा तो अच्छा फेज का मजा नहीं आएगा, सो इट्स वर्थ इट ना। आज संडे है, संडे बातें मैंने आज मेरे दीदी के साथ 1 घंटे के ऊपर बातें की, मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा था आप समझ नहीं पाओगे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये 1 दिन जो मेरा गया है ना, मतलब दीदी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी बड़ी दीदी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब वो किसी भी चीज़ को, कोई भी नेगेटिव चीज़ को कैसे पॉजिटिव पकड़ के चलना है लाइफ में, मतलब उनसे ही मैंने सीखा है। किसी भी हालत पे अगर कोई भी खराब से खराब सिचुएशन हो ना, तो एक पॉजिटिव चीज़ उसमें होता ही है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरे से 10 साल बड़ी है, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। आई लव माई दीदीज, मुझे दोनों ही पसंद है, पर मैं बता रही हूँ बस ऐसे ही बता रही हूँ, अचानक से आया ना वो मुझसे बात कर रही थी आज इसलिए बताया, डोंट माइंड दीदी। छोड़ दी राग बोलिस ना, আমি তোকে খারাপ বলছি না। या जो मार्क है ना यहाँ पर आ गया है, दाग, पिंपल का दाग, क्या बता रही हूँ मैं, पिंपल का जो एक्ने स्कार होता है ना, कभी नहीं हुआ मुझसे, मुझे पर ये पता नहीं कैसे कैसे जाएगा, बताओ, मुझे नहीं पता है, बताओ। मेरी राइस शायद हो गई है, तो देख लेती हूँ। अभी मैंने लंच बना ली थी, तो अभी वो ही खा रही हूँ। एक दाल बनाई है और आलू फूलगोभी की सब्जी, सब्जी नहीं उसको, हाँ सब्जी। हाय, अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी सी बस बात ली है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा नहा लिया, फ्रेश होगी तो इसलिए मेरी बाल इतने गीले हैं। मैं चाय बना रही हूँ, या मिल्क वाले कुकीज़, मैं 1 हाथ से अदरक को काट नहीं पाऊँगी, वेट। करीब 8 बजने वाले हैं, पर मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो क्या बनाऊँ, सैंडविच बना लिया, वही दही वाला सैंडविच। चलो वही खाते हैं। मैं यहाँ पे नीचे बैठी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, ज़्यादा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूँ। आज का सैंडविच मेरा उतना नहीं जला है पिछली बार वाला, पिछली बार तो थोड़ा सा जल गया था, जल नहीं गया था, थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, पर वो क्रिस्पी लग रहा था, ये भी अच्छा है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था बटर से फ्राई करने के लिए, बटर से ही फ्राई किया था, तो या रियली गुड। कभी कभी बटर खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। हाय, अभी शाम के 8 बजे हैं और मैं इस व्लॉग को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए ये लास्ट पोर्शन है। मैं बस, मेरा दिन ऐसे ही बीत गया और मैं कल से सोई नहीं थी, सोचा था दोपहर को सोऊंगी, पर
वो घर देखने गए थे तो वो वीडियो कॉल में मुझे ला रहे थे, मैं देख रही थी। और घर देखना, एक मतलब घर चूज़ करना बहुत हेडेक का काम है, तो वही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, नींद नहीं हुई मेरी, तो मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। सो देखते हैं। एनीवेज होप्स आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट।